रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। अब कैज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 क्लास 11th के लिए 18th क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले सभी क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। सबसे पहले हम लोग पॉलीगन समझते हैं क्या होता है। पॉलीगन का मतलब होता है एनी क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर का मतलब जैसे ये देखिए क्लोज फिगर है, ये ट्रायंगल है ना, और एक ये क्लोज्ड फिगर है, इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और एक ये पेंटागन क्लोज्ड फिगर है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी क्लोज्ड फिगर हो। ऐसे ही ये पेंटागन है और ये अपना हेक्सागन है, इसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। जितने भी क्लोज्ड फिगर्स हैं ये सभी क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। ये क्वाड्रिलेटरल और ये पेंटागन और ये क्या, हेक्सागन। अब गाइस आप लोग यहां से देख सकते हैं, ये जितने भी एंगल्स होते हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर के, जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उतनी ही उसकी साइड्स होती हैं। ट्रायंगल देखिए 3 एंगल होते हैं, इसकी 3 साइड हुई। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में देखिए इंटीरियर एंगल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो 4 ही साइड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप पेंटागन में देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एंगल बन रहे हैं, तो 5 साइड भी होंगी। ऐसे ही हेक्सागन में कितने एंगल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एंगल्स हैं, उतनी ही साइड उसमें होंगी। इसका मतलब है जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं किस पॉलीगन में, उतनी ही उसके क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। बात समझ गए ना, ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है। सबसे छोटा का मतलब 3 साइड हैं, ये ट्रायंगल में 3 साइड हैं, तो ये सबसे छोटा पॉलीगन है। अगर आप लोग कहो नहीं 2 साइड हैं, 2 साइड से कोई आप क्लोज्ड फिगर बना के दिखाओ, बनेगा ही नहीं, तो वो पॉलीगन कहाँ से होगा, ठीक है। सबसे छोटा, सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन सा है, ट्रायंगल है, बाकी सब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन तो समझ चुके हैं। अच्छा, पॉलीगन में कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी पॉलीगन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे, हेक्सागन ले लेंगे, ठीक है। हेक्सागन हमने ये पॉलीगन, पॉलीगन में हेक्सागन एक चूज कर लिया है। फिर कह रहा है इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। इसका मतलब सबसे छोटा एंगल है वो 120 डिग्री का है। लेट कर लिया कि हमने ये जो है एंगल सबसे छोटा है वो भी कितना है, 120 डिग्री का है। मतलब कि इससे छोटा एंगल पूरे भी पॉलीगन में कहीं भी नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर्स ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो हमें नंबर ऑफ साइड चाहिए। ये हमने पॉलीगन ले लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही हो सकता है, क्योंकि तभी तो कह रहा है ना फाइंड द नंबर ऑफ साइड, तो हमें नंबर ऑफ साइड पता करनी होगी। इसमें तो पता होती है 6 हैं, तो आप कोई भी पॉलीगन ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे छोटा एंगल 120 है। अब जो भी एंगल होगा इससे बड़ा ही होगा। ये कह रहा है यहाँ से द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। मतलब ये 120 है तो ये 125 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 130 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला 135 डिग्री हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे 5 डिग्री का डिफरेंस, तो अगर यहाँ पे 115 लिख दे तभी तो 5 डिग्री का डिफरेंस होता। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, इसने कहा है स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, सबसे छोटा यही एंगल है, इससे जो एंगल आएंगे वो सब बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक हम सीरीज देखते हैं क्या है, 120 डिग्री मिला, फिर 125 डिग्री मिल गया, फिर 130 डिग्री मिल गया, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे हम नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये यही नहीं पता कौन सा पॉलीगन इसने लिया, वो हमने तो कोई जनरल पॉलीगन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से हम लोग गिवन देखते हैं क्या क्या है। इसमें गिवन क्या है, 120 डिग्री फर्स्ट टर्म है, तो ए इज इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। और फिर इसके बाद डी फॉर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1
125 माइनस 120 डिग्री तो कितना आ गया, 5 डिग्री का आ गया। अच्छा, हमको ये नंबर ऑफ साइड चाहिए, इसका मतलब है कि हमें किसी तरीके से नंबर ऑफ एंगल्स पता चल जाएं, तो हम नंबर ऑफ साइड निकाल देंगे। किसी भी आप पॉलीगन में देखिए, जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स उसकी होती हैं। कोई भी आप ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन के 6 एंगल्स हैं तो 6 साइड भी होंगी। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ एंगल्स निकाल दें कि किसी पॉलीगन में कितने हैं, तो नंबर ऑफ साइड पता चल जाएगा। बात समझ गए ना, ये कैसे निकालें। अच्छा, अगर लास्ट टर्म दिया होता तो वहाँ से हम निकाल सकते थे, लेकिन लास्ट टर्म भी नहीं गिवन है, तो क्या देखते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ साइड ऑब्लिक नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड, वो एक ही बात है। अभी हम लोग ऐसे देख चुके हैं, वो एक ही बात है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये है सम ऑफ नंबर ऑफ साइड ऑब्लिक सम ऑफ नंबर ऑफ एंगल्स क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको हम लोग वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। ये n-2 180 डिग्री है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड हेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑब्लिक एंगल्स। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं या 3 साइड होती हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे 3 पुट करिया करके 3-2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 से 2 गया 1 हो गया, 1 इंटू 180 डिग्री आ गया। देखिए, ट्रायंगल के एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है, तो ये मतलब बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम क्वाड्रिलेटरल के लिए एक देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 फोर साइड है ना, तो n की जगह 4 रख दीजिए, 4-2 इंटू 180 डिग्री, 4 से 2 गया 2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से 18 2 3 60 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सबको पता है। इसका मतलब है ये जो हमारा फार्मूला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना गाइस। अब इसके बाद में हम देखते हैं सम ऑफ नंबर्स ऑफ साइड का एक और हमारे पास फार्मूला होता है, वो कैसे होता है। SN के लिए याद करिए, AP में SN का फॉर्म लगता था, n/2 2a + n-1 d इज इक्वल टू ये n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। तो n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्यों, ये भी सम है और ये सम का फार्मूला हमको पता होता है। यहाँ से आप देखिए, a और d की हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, n/2 तो ऐसे ही चलता है, n की तो वैल्यू ही निकालना है, और 2 ऐसे ही रहेगा, इंटू a की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री है, प्लस का n-1 n तो निकालना ही है, n-1 d की वैल्यू क्या है, 5 डिग्री है, इज इक्वल टू, और ये 180 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 180n हो जाएगा, माइनस का 180 की मल्टीप्लाई 2 से 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से गैस हम लोग देखते हैं, n/2 एज इट इज़ है, ये 120 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 240 हो जाएगा, प्लस का अब 5n की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में 5n-5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये 180n एज इट इज़ नोट करेंगे, माइनस का 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 240n, प्लस का n की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 5n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का n की मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 5n हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इस अपॉन वाले 2 की मल्टीप्लाई इसके सबके साथ करेंगे, 180 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 360n हो जाएगा, माइनस का 360 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा। आप डिग्री लगाएं चाहे छोड़ दें, लास्ट में हम लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ एंगल्स वो एक ही बात होती है, जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड होती हैं, बात समझ गए। अब यहाँ से देखिए, 5n स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, क्यों, डिग्री 2 वाला टर्म पहले लिखा जाता है, डिग्री 1 वाला बाद में, 240n से 5n को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 235, वो भी किसका, प्लस का, 235n आ गया। अब ये 360n प्लस का है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 360n हो जाएगा, ये माइनस का 720 डिग्री, इक्वल किधर आया तो प्लस का 720 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं,
5n स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, आप 235 से 360n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 125 n आ जाएगा, प्लस का 720 डिग्री एज इट इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब यहां से गैस हम लोग देख सकते हैं कि 5 से डिवाइड हो रहा है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 5 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, तो यहां पे 5n स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगा, माइनस का 125n अपॉन में 5 हो जाएगा, प्लस का 720 अपॉन में 5 हो जाएगा इजिकल टू 0 अपॉन 5, 0 रहता है वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिएगा यहाँ पे n स्क्वायर हो गया माइनस का, यहाँ पे 25n हो गया प्लस का, 5 कट गया और 5 टू ज़ा 10 हो गया, 2 बच गया, 5 ज़ा 25, 25n हो गया। अब यहाँ से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5 होता है, 2 बच गया, 5 4 ज़ा 20, 2 बच गया, 5 4 ज़ा 20, 144 इजिकल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टर कर, हमारे फैक्टर क्या आते हैं, 144 के फैक्टर यहाँ से करें, 144 के फैक्टर 27 जा 22 जा 23 जा 6, 26 जा 12 और 21 जा 2, 28 जा 16, 29 जा 33 जा 9 और 31 जा 3, ठीक है, 22 जा 4, 42 जा 8, 8 टू जा 16, 16 हो गया और 33 जा 9, 16 प्लस 9, ये हमारे इसके फैक्टर क्या निकले, 16 इंटू 9 निकले, 16 इंटू 9 क्या होता है, 144 होता है और 16 में 9 ऐड कर दो तो 25 भी होता है, 25 को हम लोग क्या लिख देंगे, 16 प्लस 9 और ये ब्रैकेट के बाहर n एज इट इज़ है, प्लस का ये 144 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा n स्क्वायर एज इट इज़ माइनस n, n के अंदर मल्टीप्लाई करिए 16n और इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई, इस n की भी मल्टीप्लाई, माइनस का 9n हो जाएगा, प्लस का ये 144 इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज़ बच गया हुआ है। अब यहाँ से हम देखते हैं इन टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा, n कॉमन आ रहा तो n माइनस 16 बच गया, इन टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा, माइनस का 9 कॉमन आ रहा तो n माइनस 16 बच गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये टू टर्म है, इन टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा, n माइनस 16 कॉमन आ गया और इससे फर्स्ट टर्म से n माइनस 16 कॉमन निकल गया तो n बच गया और सेकेंड टर्म से n माइनस 16 कॉमन निकल गया तो माइनस का 9 बच गया इजिकल टू 0 हो गया। अब देखिए टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगा, इफ n माइनस 16 इजिकल टू 0 देन n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे n माइनस 9 को देखते हैं, इफ n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू प्लस का 9 हो जाएगा। मेरे यहाँ से n के दो आंसर आए हैं, n इज इक्वल टू 16 आया हुआ है और n इज इक्वल टू 9 आया हुआ है, हम दोनों को चेक करते हैं, जो हमारा सही होगा वही सूटेबल आंसर हो जाएगा और एक आंसर गलत हो जाएगा, तो हम चेक करके आपको दिखाते हैं। When n is equal to 19 के लिए चेक करते हैं, a 9 क्या होगा, a प्लस 8d हो जाएगा, ठीक है, a की वैल्यू हमारी क्या है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री रखिए, प्लस का 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं 120 डिग्री प्लस 8 5 जा 40 डिग्री, तो a 9 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 160 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम लोग n is equal to 16 के लिए चेक करते हैं, a 16 इज इक्वल टू a प्लस 15 डी हो जाएगा ना, a की वैल्यू 120 डिग्री हो गई प्लस का 15 इंटू डी की वैल्यू 5 डिग्री हो गई, 120 डिग्री प्लस का 15 5 का कितना होता है, 75 होता है। अब 120 डिग्री में 75 को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो 195 डिग्री आ जाएगा, 195 किसी भी पॉलीगन में पॉसिबल नहीं है और 160 डिग्री पॉसिबल है, इसीलिए n इज इक्वल टू 9 बिल्कुल हमारा आंसर सही है, n इज इक्वल टू 16 हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। और लेकिन ये बात हमारी 70% तक ही सही है, क्यों, क्योंकि जो है ये पॉलीगन जो होते हैं रिफ्लेक्स भी होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल भी होते हैं, उस हिसाब से 70% सही है, बाकी रिफ्लेक्स पॉली आगे पढ़ेंगे जा करके, लेकिन हमारे सिलेबस में बस यहीं तक है, बात समझ गया ना, इसीलिए हमारा n = 9 आंसर सूटेबल है और हमारा n = 16 रॉन्ग आंसर है। ओके, थैंक यू।